हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशरफ। तो आज आपके लाए हूं मैट्रिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप मैथ का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको 10 ऑब्जेक्टिव मिलेगा और 5 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो आपको 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव 5 पीस यानी कि 10 नंबर और 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव यानी कि 20 नंबर में 20 नंबर लाना है। ओके, तो अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन भी दिया एंड सबसे अमेजिंग वाली बात यह है कि इस सवाल को मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया है एंड जो क्वेश्चन कहीं छूट गया होगा तो मैं आपको अंडरस्टैंड कर दूंगा, बहुत ही इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो आपको देखना है और हर क्वेश्चन बना करके नीचे कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे कि आपने कितना सही बनाया और जो नहीं बनेगा उसको आपको नोट करना है। तो चलिए, आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार, यूपी, झारखंड, सीबीएसई, जो भी है ना, सवाल सबके लिए बेस्ट है। ओके, सबसे पहले हम करते हैं शुरू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। आपका सवाल आपके सामने है एंड यहां पे ऑप्शन भी दिख रहा है। सबसे पहले सवाल क्या बोलता है कि ये जो दिख रहा 2 3 2 2 3 2 2 2 3 किस प्रकार की संख्या है, किस प्रकार का नंबर है, बताइए किस प्रकार का नंबर है। ये पूर्णांक है या परिमेय संख्या है या भिन्न है यानी कि फ्रैक्शन है या इरेशनल नंबर है। तो आपको मैं बता दूं यहां पे जब ये सवाल जो दिया हुआ है तो खैर तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए इस टाइप का दो सवाल आता है, रेकरिंग वाला एक आता है 2.2222 ऐसे अगर रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा यानी कि 2.2 पर रेकरिंग रहेगा, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सी संख्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना, यानी कि ये परिमेय संख्या होगा। और अगर रहेगा 2.12 ठीक है, ऐसे रहेगा तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 का 4 होगा यानी कि 1 का D बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे जो सवाल है यहां पे आपके सामने दिख रहा है। अगला सवाल बोलता है कि 5 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल निकालिए। देखिए 5 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल निकालिए। ऑप्शन देखिए 845, 935, 1045, 1145, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा 5 से विभाजित होने वाली 2 अंकों वाली संख्या, ना 2 अंकों वाली संख्या। तो मैं यहां पे कर लेता हूं, 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन है जो 5 से विभाजित होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिए कौन कौन यहां पे है। 5 से विभाजित होने वाली 2 अंकों वाली संख्या कौन शुरू होगा, 10 से शुरू होगा और 99 तक जाके खत्म होगा। 2 अंकों वाली तो संख्या यही तक होता है, 10 से शुरू होता है 99 तक खत्म होता है। लेकिन बोला 5 से विभाजित होने वाली, 5 से डिविजिबल होने वाली, 5 से कटने वाली। तो 5 से कौन कौन कटेगा भाई, तो 10 तो कट जाएगा 5 से, उसके बाद 15 कट जाएगा, उसके बाद क्या कटेगा 20 कटेगा, 25 कटेगा। तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, कहां तक लिखूंगा 99, तो 5 से नहीं कटेगा, 97 इससे कम करते हैं, 98 भी नहीं कटेगा, 97 भी नहीं कटेगा, 96 भी नहीं कटेगा, यानी कि 95 कट जाएगा 5 से, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है। तो पहले नंबर निकालते हैं, कितना पीस है ये, तब हम निकालेंगे योग, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्या दिया हुआ, TN दिया हुआ है ना, यानी कि अंतिम पद, और ये जो A दिया हुआ है यानी कि शुरुआत वाला प्रथम पद, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है जो डी निकालते हैं, कितना डिफरेंस हो जाएगा 5 का। तो हम जानते क्या, TN का फॉर्मूला क्या होता है, A+N-1 × D होता है ना। अब देखिए TN कितना दिया, 95, तो पहले A का वैल्यू निकालेंगे। A का वैल्यू कितना है जी, 10 है, N-1 × D कितना है, D है 5, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, 95 बराबर 10+5N-5 गुना कर देंगे, 5 को n से करेंगे 5n, 5 को 1 से करेंगे 5, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, ये देखो 95 को फिलहाल अभी रहने देते हैं, 10 में से 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा +5n। अब ये 5 इधर आके क्या होगा बोलो, ये 5 इधर आके घट जाएगा, 5 इधर आके घट जाएगा, प्लस में इधर आके क्या बनेगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 5n यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 90/5। तो कितना, के 95 18/95 है ना जी, यानी कि n का वैल्यू क्या हो गया 18 आ गया। अब n का वैल्यू 18 आ गया, अब हमको निकालना है, अब योग निकालना है। अब यहाँ पे आपको SN का फॉर्मूला बैठाना है, क्या बैठाना है, SN का फॉर्मूला। तो SN का दो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है N/2 × A+NTN या L अंतिम पद। तो हमको देखो ये जो सवाल है ना, इसमें अंतिम पद दिया हुआ, आखिरी पद दिया हुआ है, या तो एक और फॉर्मूला होता है उसको भी बना सकते हैं, उस पर बैठा सकते हैं। क्या होता है, A N by 2
इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये देखो ये जो एन माइनस वन इंटू डी और ये एक यहाँ पे देखो एक ए है यहाँ पे दो ए है तो एक ए इसमें भेज देंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। तो ये किसके बराबर, ये टी एन के बराबर है, ये टी एन के बराबर है और यहीं पर डायरेक्ट टी एन दे रहा। तो अगर टी एन दिया अंतिम पद दिया रहे तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको यूज करेंगे, एन का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 18 आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 18 बटे दो और यहाँ पे क्या लिखें ए, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देखो 10 है ना, 10 प्लस एन का, टी एन का वैल्यू कितना है 95 है, देखो लास्ट में टी एन है 95। ओके ये कितना आ जाएगा, कट रखे 2 9 18 यानी कि 9 हो जाएगा और इसको जोड़ दो 95 और 100 कितना हो जाएगा 105। अब गुना कर देंगे 9 5 45 और 0 9 1 9 कितना हो गया 9 5 45 के मतलब 4 हाँ तो कितना हो गया 9 1 9 सॉरी यहाँ तो 945 क्या आ गया 945। देखिए ऑप्शन है 945 तो मेरे पास आंसर आ गया 945 लेकिन इस सवाल के ऑप्शन में ही नहीं लिखा होता तो मैं इसको बी को कर देता हूँ 945, ठीक है यहाँ पे तो हमारा आंसर फिर बी सही हो जाएगा, ठीक है क्योंकि 945 ही ऑप्शन आंसर आ रहा मेरा। ओके चलिए आगे देखते हैं इस सवाल, देखिए क्या बोलता है, बोलता है कि बिंदु 4 7 है ना, बिंदु 4 7 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। अब समझिए इसको, ये बंदा अक्सर गलती करता है इसमें, बिंदु 4 7 की एक्स अक्ष से दूरी, देखिए मतलब मैं मुझे एक ग्राफ बना लेना है ऐसे, देखिए तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। बोलता है कि 4 7 कहीं पर बिंदु है तो मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 यहाँ पे होगा कहीं पे और 7 मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 कहीं ना कहीं होगा अगर आप जब बनाएंगे तो कहाँ जाएगा बिंदु, यहाँ पे जाएगा है ना 4 7। ये 4 एक्स वाला है, 7 क्या है वाई वाला है ना, 4 जो एक्स पॉइंट है 7 जो है वाई पॉइंट है। तो क्या बोलता है बिंदु 4 7 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी मतलब ये वाला एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से दूरी, तो एक्स एक्सिस से दूरी कौन है ये वाला है दूरी है ना, एक्स एक्सिस से दूरी जाना तो कैसे जाएंगे ऐसे जाएगा ना, इधर जा रहा तो इधर कितना बढ़ रहे हैं हम वाई की तरफ बढ़ रहे हैं, इधर हम जो बढ़ रहे हैं वाई की तरफ यानी कि 7 बढ़ रहे हैं ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर सवाल बोलता कि वाई अक्ष से, बोलता वाई अक्ष से दूरी तो वाई से कितना दूर है तो वाई से 4 दूरी है तब एक्स का वैल्यू 4 आता, ठीक है ना, समझा गया क्या बोला गया, एक्स अक्ष से दूरी निकालना यानी कि ये वाला जो एक्स अक्ष है यहाँ से दूरी निकालना, तो ऊपर जाएंगे दूरी तरफ तो दूरी कहाँ जाएगा 7 तक जाएगा क्योंकि y का वैल्यू 7 है ना जी। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आगे बोल तो अगला सवाल यहाँ पे बोलता है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ 3 7 11 15 का कौन सा पद जो है 43 है, ठीक है। तो हमको निकालना है कौन सा पद 43 है, मतलब क्या है ये जो है ना पहला पद 3 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 11 है, चौथा पद 15 है, इस तरह से 43 कोई ना कोई तो पद होगा, कौन सा पद कितना नंबर में 43 आ रहा है वो निकालना है यानी कि हमको एन निकालना है और ये क्या दिया हुआ टी एन दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए हमको क्या दिया हुआ यहाँ पे सवाल में 3 दिया हुआ है, 7 11 15 है ना, कहाँ तक है 43 तक, बोला कौन सा पद 43 है। तो क्या करेंगे टी एन का फॉर्मूला करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन जो है आखिरी पद है 43, ए का वैल्यू कितना है 3 है, एन का वैल्यू नहीं पता हमको तो निकालना है एन माइनस वन इंटू डी कितना है, देखो इसको डिफरेंस निकालो डी निकलेगा, 7 में से 3 घटेगा 4, 11 में से 7 घटेगा 4, 15 में से 11 घटेगा 4, तो 4 डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 43 हो गया, 3 को इधर भेजो, 3 प्लस में क्या बनेगा माइनस बन जाएगा, 4 को n से करेंगे 4n, 4 को 1 से करेंगे माइनस 4, ठीक है। अब देखो क्या बना हमारे पास 43 में से 3 घटेगा तो 40 हो जाएगा और ये 4n जो माइनस में इधर भेज दो क्या बनेगा प्लस 4 और ये 4n बच गया तो 40 से 4 कितना हो जाएगा 44 और ये 4n अब कट जाएगा 11 चौक 44 यानी कि n बराबर क्या आएगा 11, ये बोल रहा है n का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखिए पांचवा सवाल क्या बोलता है, यहाँ पे दिख रहा सवाल और ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए पांचवा सवाल क्या बोलता है, बोलता ये है कि किसी आयत के संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो आयत के विकर्ण क्या होगा, ठीक है ना। संलग्न भुजाने का मतलब, भुजाएं का मतलब हो गया जो आयत जो रेक्टेंगल है ना उसके जस्ट लगा हुआ भुजा, सटा हुआ भुजा, ठीक है ना। ऑप्शन देख लो 14 10 18 6 ऑप्शन दिया, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा हम आगे घस कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए आयत दिया हुआ रेक्टेंगल दिया, संलग्न का मतलब बगल में, जैसे ये लंबाई है तो लंबाई कितना बोलता है 8 है, तो 8 बड़ा वाला होगा और चौड़ाई 6।
अब बोलता है कि आयत के विकर्ण निकाल, यानी कि डायगोनल निकाला, डायगोनल तो ये निकलेगा। अब देखो ये क्या है, लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस, कर्ण है, लंब है, आधार है, कर्ण है। तो पाइथागोरस परम, चूंकि आयत के चारों कोण 90 डिग्री होता है, तो हो गया। तो ये 90 डिग्री कैसे निकलेगा, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो 6 6 36, 8 8 64, कितना जगह मेरे पास, 6 4 10, 6 3 9 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का वर्गमूल कितना होगा, 10 का स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूल, स्क्वायर रूट 100 का वर्गमूल 10 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखो, ठीक है आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या होता है, बिंदु जो दिया +4 -3 किस पद में है, मतलब इसका क्वाड्रेंट बताना, किस क्वाड्रेंट में ये है, ठीक है ना, किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो चलिए हमको क्या पता करना है, हमको ये जानना है, देखिए यहाँ देखिए, अगर मैं ये क्वाड्रेंट कर दूँ, ये ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पहला क्वाड्रेंट पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। इसमें पहला पद में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथा में प्लस और माइनस होता है, ठीक है। तो हमको देखना है ये वाला क्या है, प्लस माइनस, देखिए 4 + 3 - प्लस माइनस, प्लस माइनस किसमें आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा है चौथा में, तो आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ। हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल बोलता है, कौन सी घटनाएं हैं कि कौन सी घटनाएं जिसकी प्रायिकता नहीं हो सकती, बस आप बताओ फटाफट, या जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। देखो 60% के मतलब हुआ 60/100, और प्रायिकता क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का होता है, प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। देखो इसका साइन मतलब क्या, 0 से बड़ा है या तो बराबर है, या तो 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, तभी प्रोबेबिलिटी होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी में 0 छोटा नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 से छोटा मतलब माइनस में। अब देखिए 60% मतलब 60/100, इसको भाग करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, यानी कि 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, ये देखिए माइनस में आ गया। ये माइनस क्या है, 0 से छोटा है, ये 1 है तो ये प्रायिकता है, ये देखो 1.005, ये क्या है, 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे दो दो ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है, तो हमारा ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा, डी भी सही हो जाएगा, ठीक है ना, मिस्टेक से ये लिखा गया है दोनों आंसर, तो बी भी सही हो जाएगा, डी भी सही हो, क्योंकि ये जो डी वाला है ये क्या है, 1 से बड़ा है, और जो बी वाला है 0 से छोटा है, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर दोनों होगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने हाजिर है, खंभे की ऊंचाई तथा छाया का अनुपात 1√3 है, तो सूर्य का उन्नयन को निकालिए, ठीक है ना। देखिए खंभे की ऊंचाई और छाया का अनुपात क्या है, 3√3 है। देखिए ध्यान समझिएगा, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे जो बनाएंगे, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, ओके आपको बनाने आना चाहिए। यानी कि एक खंभा है, देखिए इस तरह से मैं खंभा लगता हूँ, ठीक है, और इस तरह छाया है इसका। तो खंभे की ऊंचाई पहले क्या बोलता है, पहले बोलता है खंभे, फिर बोलता है उसकी छाया, तो जो अनुपात है ना, जो रेशियो है, इसी का अनुपात लेंगे। पहले खंभे है तो पहले खंभे का अनुपात 1 होगा, छाया बाद में है तो छाया का अनुपात 3 होगा। तो खंभे ऊपर खड़ा है, छाया 3 ऐसे अनुपात में, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे बोलता है ठीक कोण कितना डिग्री होगा, ये बोलता है उन्नयन कोण क्या होता है, तो क्या लिखें, देखो लंब बटा आधार, लंब है आधार है, फॉर्मूला होता है टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 1 है, आधार कितना है 3, क्या हो गया 1/√3। अब देखो टैन थीटा बराबर 1/√3 किसके फार्मूला होता है, तो बोलेंगे सर टैन 30 डिग्री होता है 1/√3, टैन टैन कट गया, थीटा बराबर क्या होता है 30 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जो अगला सवाल है बोलता है कॉस स्क्वायर 40 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 का वैल्यू क्या होगा। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, हमको इनमें से किसी एक का वैल्यू बदलना पड़ेगा, ठीक है, क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू बदल देंगे, तो बदल देते हैं, चलिए बदलते हैं। क्या है ऑप्शन देख लीजिए, जो पहले बना लीजिएगा, ठीक है ना, हम इसका वैल्यू बदलते हैं, कॉस स्क्वायर 43, तो हम इसको जो 43 है ना, हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 43 दे रहा, चलिए मैं लिखता हूँ 43 माइनस क्या है साइन स्क्वायर 47, साइन स्क्वायर 47, आंसर कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए हम इसको चेंज करते हैं या इसको चेंज करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 - 47, क्योंकि 90 में से 47 को माइनस कर देंगे तो 43 बचेगा, और ये वाला ऐसे ही रहेगा। अब देखो फार्मूला होता है कॉस 90 - थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, और थीटा कौन है यहाँ पे, ये 47 जो है थीटा पे है, और ये क्या होगा साइन
47, तो दोनों सेम हो गया ना, स्क्वायर है, दोनों सेम हो गया तो क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, लड्डू, जीरो, अंडा, ऑप्शन हो गया बी। अब हम आगे बढ़ते हैं, दसवां नंबर सवाल जो है आपके सामने हाजिर है, बोलता है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। बस इजी है, अर्धवृत्त का परिमाप, देखिए परिमाप का मतलब क्या समझे, परिमाप का मतलब पेरीमीटर है 36 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस निकालना, रेडियस। अब आपको परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप आर इंटू पाई प्लस टू, ठीक है ना। देखिए परिमाप कितना दिया हुआ, 36 सेंटीमीटर दिया हुआ, पी पेरीमीटर दिया हुआ, तो पी की जगह पे लिख क्या लिख देंगे, 36 लिख देंगे, आर का वैल्यू आर, पाई का वैल्यू 22/7, ये 2 है, देखिए हल करेंगे आर, इसको हल कीजिए तो 7 एलसीएम ले लेंगे, तो 22 + 7 = 14, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 22 और 14 कितना होगा, 36/7, 36 कट जाएगा, आर बराबर इधर 1 बच रहा, 7 को 1 से क्रॉस गुना कर दो, कितना आ गया, आर का वैल्यू 7 आ गया, तो यहाँ पे कितना होगा, त्रिज्या ने बोल रहा, रेडियस बोल रहा, कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। अब हम पढ़ते हैं जो दो नंबर वाला लॉन्ग सवाल है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको बनाते हैं। चलिए तो सवाल आपको बनाना है इसको, अब देखिए क्या बोलता है, सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, सिद्ध करने के लिए, सिद्ध कीजिए कि 1 + sin A / 1 + cos A का वर्गमूल बराबर sec A - tan A। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे इसको, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही करना, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हल या सॉल्यूशन लिख सकते हैं, हल लिख सकते हैं, सॉल्यूशन कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। क्या दवा है, हमको किसी एक को लेना पड़ेगा, ठीक है ना, LHS को लेंगे तो RHS आ जाएगा, RHS को लेंगे तो LHS आएगा, तो हम इसी तरह इससे बनाएंगे, ठीक है, ये NCERT का सवाल दिया हुआ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, LHS क्या दिया हुआ है, 1 - sin A / 1 + sin A को वर्गमूल, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, अब हमको क्या करना है, इसका करना परमेयकरण, क्या करेंगे, परमेयकरण, तो 1 - रहेगा 1 - sin A / 1 + sin A। अब परमेयकरण करेंगे तो इसको गुना लिखेंगे, और ये वाला ऊपर से गुना करेंगे, 1 + अब प्लस है ना तो कर देंगे क्या, माइनस, 1 - sin A / 1 - sin A, ठीक है, ये है वर्गमूल, इसको ऐसे लिखना है, इतने में बनाना है जितना जगह दिया हुआ है। देखिए 1 - sin A / 1 - sin A दो बार है तो हम लिख सकते हैं 1 - sin A का स्क्वायर, दो बार है ना, 1 - sin A / 1 - sin A दो बार है, लिख दिया। अब देखिए 1 + sin A / 1 - sin A फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b, फिर मैं बताता हूँ, a + b * a - b क्या होता है, a² - b² फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए a की जगह 1 है, b की जगह sin है, a की जगह 1 है, b की जगह sin है, खाली प्लस माइनस, तो क्या होगा, a² - b², तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिखूँ या ना लिखूँ कोई दिक्कत नहीं है, बी स्क्वायर कितना है, sin है, a² हो गया -b², ये है वर्गमूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, देखिए 1 - sin A का होल स्क्वायर आ गया, बटे 1 - sin² का फार्मूला क्या होता है जी, 1 - sin² का फार्मूला होता है cos² A। अब आप जब एग्जाम में बनाओगे सवाल ना, तो जब कॉपी भर जाएगा तो ऐसे नीचे बनाते जाना, इधर मत आना, ठीक है ना, मैं तो यहाँ पे बताऊँगा आपको समझाने के, मतलब यहाँ पे दिख जाए इतने में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस पर भी स्क्वायर है घेर के, और इस पर भी स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 - sin A / cos A, जो स्क्वायर दोनों पे है ना, हम घेर के कर देंगे ऐसे स्क्वायर, ये ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो 1 - sin A / cos A। अब देखिए जी, अब ये जो बंटवारा कर देंगे, ठीक है ना, कॉस जो है 1 के लिए भी है, यानी कि 1 - sin A / cos A, कुछ याद आपको आ रहा है, देखिए तो अगर इसको एलसीएम लेंगे तो यही वाला आ जाएगा, है ना, एलसीएम लेके बनाएंगे तो 1 - cos क्या होता है डियर, 1 - cos होता है sec A, और sin - cos क्या होता है डियर, tan A हो गया, क्या है, RHS जो है वो प्रूव्ड हो चुका है ना, यही तो प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है हमसे, और हमने प्रूफ कर दिया है। ओके चलिए अब ये सवाल को बनाएंगे, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 12, ठीक है, आपको 15 सवाल मिलेगा बनाने के लिए। तो बोलता है क्या है कि ये जो 0.254 पे रेकरिंग डाल दिया, ये परिमेय संख्या के रूप में निकलना है, यानी कि रेशनल नंबर के रूप में लिखना है इसको, तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सॉल्यूशन, ठीक है ना, लिख रहा हूँ, ओके यहाँ पे लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन, ओके। तो देखिए क्या बोलता है, ये दिया, इसको हम x मान लेंगे, x बराबर
0.254, ये मान लिया मैंने x, ठीक है। अब जब ये मान लिया मैंने, आप लिखते हैं माना कि, है ना, माना, ठीक है, लेट कर लिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि x के बराबर 0.254, अच्छा ये जो रेकरिंग दिया हुआ ना, सॉरी डियर, रेकरिंग जो है ना सिर्फ यहीं तक दिया हुआ है, 54 तक ही दिया हुआ, ओहो सिर्फ 54 तक ही दिया हुआ, ठीक है ना, रेकरिंग जो है सिर्फ 54 तक दिया हुआ, इतने तक, तो इसका मतलब 5454 बार बार रिपीट हो रहा, 5454 ये क्या हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इसको, इसको हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, ठीक है ना, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और इसको जब 10 से गुना करेंगे ना, तो ये वाला 2 इधर आ जाएगा, इसको आप देखिए गुना करके देखिए, इसको आप ऐसे गुना करके देख सकते हैं 0.254, ठीक है ना, इसको करेंगे 10 से गुना, तो 10 से जब गुना कीजिएगा तो पता क्या हो जाएगा, 2, 5, 4 हो जाएगा, ये पॉइंट के बदले 1 0 हो जाएगा, 3 0 आ जाएगा, पॉइंट के बदले 1, 3 अंक 3 0, 1 0 कटा, तब 2 0 बचाना, तो 2 के बाद पॉइंट होगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट, ये 2 मतलब इधर आ जाएगा 2.54 जो है वो बार बार आना, ठीक है, इसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट, बोलेंगे क्या बोलेंगे, समीकरण फर्स्ट। इसके बाद हमको फिर 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना, 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखेंगे। आप देखिए 0 के बाद पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो इसमें जो 1 देख रहे ना, इसको 3 0 बनाना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे फिर पुनः लिखेंगे यानी कि दोबारा अगेन 100 से गुना करने पर, तो 100 से गुना करेंगे क्या होगा बाबू, 10 को करेंगे 100 से गुना, तो ये तो 1 1 0 है, तो फिर 100 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000x हो जाएगा, और इसको करेंगे 100 से गुना, तो अभी फिर पूरा आ जाएगा इधर 254 जो पूरा, यानी कि 2 है ना, 2 0 से गुना, और देखिए 1 0 से गुना हुआ था तो 1 अंक इधर आया था, अब 2 0 से गुना करेंगे तो फिर 2 अंक इधर आ जाएगा, तो आगे अब लास्ट में क्या होता है, 54 ऐसे बचते जाएगा, इसको समीकरण सेकंड बोलेंगे, ठीक है। अब सेकंड वाला समीकरण को फर्स्ट से क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट। अब देखिए सेकंड क्या है, ये वाला है, इसको इसे घटाइए, देखिए 100 इधर वाला को इधर से घटाएंगे, इधर वाला को इधर से घटाएंगे, ठीक है ना, अब देखिए घटाते हैं, 1000 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 1000 में से 10, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, 1000x से माइनस 10x घटा लिया इसको इधर से, अब बाएं को बाएं तरफ से बराबर, ये लिखेंगे 2554.5454, मतलब बार बार लिखा रहा, ठीक है ना, अब इसको घटाएंगे कितना से, इतना घटाएंगे 2.54, ठीक है ना। अब देखिए जब इसको घटाइएगा अब तो क्या होगा, देखिए इजी सा है, ये घट के कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना घट के, 10 घटेगा यहाँ पे, तो 10 जब घटेगा तो 990x हो जाएगा, और यहाँ देखिए 54 कट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 में से 2 हो जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 तो ऐसे रहेगा, ये देखो 54 है, 54 कट गया 0 हो गया, 4 में से 2 गया 2, 5 तो 5 रहा 2, तो इतना गया, अब x से बराबर क्या हो जाएगा 252/990, ठीक है ना, इसको काटा पीटी कर दो तो आपको कट जाएगा 14 से कट जाएगा, ये 15 से कट जाएगा, यानी कि 14/15 ये आंसर हो गया, समझ में आया, तो इसको बनाना है इस तरह से, ओके। तो आइए अगला सवाल बनाते हैं, अगला सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा कि 13 नंबर सवाल यहाँ पे है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री, ठीक है ना, तो ये सर्किल वाला फॉर्मूला इंग्लिश में भी लिखा हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ द रेडियस सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस हुज एंगल इज 60 डिग्री, ओके। तो हम यहाँ पे करते हैं इसका हल करते हैं, इसका यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अब देखिए अब क्या क्या चीज़ दिया हुआ उसको पहले लिखते हैं, क्या क्या चीज़ दिया हो, वृत्त की त्रिज्या दिया हो 6 सेंटीमीटर, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, है ना, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कोण जो है दिया हुआ है थीटा, कोण मतलब थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। अब कितना आसान सा सवाल बोलता है क्या, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि रेडियस सेगमेंट, है ना, एरिया ऑफ द रेडियस सेगमेंट त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे इसलिए
वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब आपको पता होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता है, क्या पता है भाई, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए थीटा का वैल्यू कितना दिया हो, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो लिखेंगे 60 डिग्री, 360 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, तो आर कितना है 6 × 6 दिया हुआ है, स्क्वायर है इसलिए दो बार लिख देंगे, ठीक है। अब देख काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 6×6 36 कट गया, 6×6 कट जाएगा, 6×6 कट जाएगा, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 6×6 तो 6×12 अच्छे दोनों 12 132/7 क्या हो गया, 132/7। तो बहुत आसान था हमारा, और इसका आंसर क्या हो गया, 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है ना, ये सवाल आपको पूछा जाता है और पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने हाजिर है, सवाल नंबर 14। देखिए 14 नंबर सवाल क्या बोलता है कि पी का वैल्यू निकालना है, है ना, और बोलता है जो रैखिक समीकरण का जो युग्म है वो अद्वितीय हल, इसका जो है ना क्या बोलते हैं, ओनली अद्वितीय हल, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन है, सिर्फ एक हल है इसका, अद्वितीय मतलब जिसका दूसरा हल ना हो, सिर्फ एक सॉल्यूशन है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे। देखिए बहुत अच्छा सवाल आपके पास दिख रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ दिया हुआ, पहले हम समीकरण आप लिखते हैं, ठीक है ना, जो सवाल दिया हुआ है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, इस सॉल्यूशन जो जो सवाल दिया उसको पहले लिखते हैं, 2x+2y+2=0, एक तो ये समीकरण हो गया, दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x+py+8=0। उसके बाद हमको पता है क्या निकालना है जी, a1/a2 ज्ञात करना है ना, तो हमको क्या करना है, a1/a2। देखिए ये जो शुरू वाला पहला जो ये समीकरण है, इसमें a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2, ठीक है। तो a1 कितना है, यहाँ पे a1 2 है और a2 कितना है, 4 है, यानी कि 1/2 आ गया, ठीक है ना। फिर निकालते हैं b1/b2 निकालते हैं, तो b1 कितना है, 2 है, और b2 कितना है, p है, यानी कि 2/p हो गया। c1/c2 निकालना है तो निकाल लो, c1/c2 तो कोई दिक्कत निकल जाएगा, c1 कितना है, 2 है, C2 कितना है, 8 है, यानी कि 1/4 है। अब सवाल में बोल रहा कि क्या है अद्वितीय हल, क्या है अद्वितीय हल, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण अद्वितीय हल है, क्या है अद्वितीय हल है, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन है, तो अद्वितीय हल होता है, तो उसका क्या होता है, नियम क्या होता है बनाने का, अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, ठीक है ना, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे डियर, a1 यहाँ पे कितना है जी, देखिए a1/a2 1/2 है और नॉट इक्वल टू b1/b2 कितना है, 2/p, क्या है, 2/p है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस गुना कर देंगे, 2×4 करेंगे, ठीक है ना, 2×4 कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए 2×4 हो जाएगा, p को 1 से गुना करेंगे तो पहले p हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 2×4 हो गया, तो यही बोला p का वैल्यू क्या होगा, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके। अब सवाल नंबर 15 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको 15 सवाल पूरा बनाना है, ठीक है ना, यानी कि 20 नंबर का। देख क्या बोलता है कि माना त्रिभुज ABC और DF क्या है, एक समरूप है, क्या है समरूप, समरूप को देखिए इंग्लिश में कॉन्ग्रियंस बोलते हैं, और इसके क्षेत्रफल जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और दूसरा का क्षेत्रफल यानी कि DEF का 101 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और बोलता है यदि EF यहाँ पे EF है, EF बराबर 15.4 हो तो BC का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, किसका वैल्यू पूछा जा रहा, BC का वैल्यू पूछा जा रहा क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं इसको, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, नीचे आराम से सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल, तो हमारे पास दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, और हम क्या जानते हैं, जब क्षेत्रफल, जब दो त्रिभुज जो है समरूप होता है, तो लिखेंगे चूंकि मेरे पास त्रिभुज ABC है, समरूप है त्रिभुज DEF, अगर त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF समरूप है, तो जब समरूप कब होता है, तो यहाँ पे हम फिगर भी बना देंगे, ठीक है, इसका फिगर बना देंगे तो ज़्यादा एट्रैक्टिव हो जाएगा, और आपको ना जो मार्क्स मिलने का जो परसेंटेज, मतलब बहुत खूबसूरत होता है, को भी जो बोलते हैं सजा कर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ABC है और DEF है। अब देखिए इस फिगर से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, ये C यहाँ पे होगा, ABCDEF,
अब देखिए तो हमारे पास क्या बोला कि त्रिभुज एबीसी जो है समरूप है डीईएफ का, ये दोनों आपस में समरूप है। समरूप का मतलब इसको उठा कर अगर यहाँ पे रख देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे 10 वाला सिक्का कैसे उठा कर रख दीजिएगा, 10 वाला सिक्का 10 वाला सिक्का पे रखिएगा तो पूरा बराबर शेप में आएगा। यहाँ पे छोटा वाला दिख रहा होगा हल्का से लेकिन समरूप है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ समरूप होता है, तो जब समरूप हो जाता है तो होता क्या है ना, जब अगर त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, इन दोनों त्रिभुज का जो एरिया का जो अनुपात निकलेगा, इसमें जो भुजा है उस भुजा के अनुपात के बराबर स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, तो लिखते हैं यहाँ पे, है ना, कि त्रिभुज इसका दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात है इनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। और यहाँ पे एक चीज़ दिया हो, ई एफ दिया हो, ई एफ मतलब ये वाला नीचे वाला दिया हो ना, ई एफ 15.4 क्या दिया हुआ, 15.4 दिया हो। तो लिखते हैं इसलिए दोनों समरूप है तो क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, है ना, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, है ना, ये त्रिभुज इन दोनों इसका अनुपात और इसका अनुपात जो होगा इनके भुजाओं का अनुपात वर्गों का अनुपात इनके भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। तो भुजा पहले क्या दिया हुआ, देखो पहले ए बी सी बोल रहा, पहले क्या बोल रहा है ए बी सी, अच्छा यहाँ पे क्या दे रहा है, ई एफ दे रहा है, ई एफ मतलब नीचे वाला ये वाला, तो ये जो भुजा होगा इस भुजा के बराबर होगा, ठीक है ना, ई एफ ई सी, ई एफ बी सी, डी ई ए बी, डी एफ ए सी, तो मेरा ये दिया हुआ तो हमको इससे मतलब है, तो पहले ऊपर में ए बी सी है इसलिए हम ये वाला लेना पड़ेगा, इस त्रिभुज के ही भुजा लेना पड़ेगा ए बी सी का, तो क्या है बी सी है और डी एफ का भुजा क्या है ई एफ है, इसके वर्ग का अनुपात के बराबर होता है जब समरूप होता है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है डियर 64 दिया हुआ है और इसका दिया हुआ 121। बी सी का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है तो हम लिखेंगे बी सी का बी सी लिख देंगे और इसका दिया 15.4। ओके, इसको मैं कर दिया स्क्वायर, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा अच्छा से। अब ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो देखिए क्या होगा, स्क्वायर गया तो 64/121 का क्या बनेगा, वर्गमूल बन जाएगा, है ना, स्क्वायर इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी बटे 15.4। तो आपको पता है जी 64 का वर्गमूल 8 होता है और 121 का वर्गमूल 11 होता है, ठीक है ना, बी सी बटे 15.4। अब इसको तुम लोग क्रॉस गुना कर लो, है ना, क्रॉस गुना कर लेते हैं, चलिए तो 11 को बीसी करेंगे तो क्या होगा 11 बीसी और ये 15.4 गुना 8। ओके, अब बीसी निकालेंगे हम तो क्या करेंगे 15.4 गुना 8 बटे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ओके, तो इसको काट लेते हैं, देखिए 11 एकम 11 11 चौक 44 1.4 हो जाएगा, तो 1.4 गुना 8, ठीक है, 1.4 गुना 8 तो कितना होगा, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 आठ एकम 8 8 तीन 11 कितना आया, एक अंक पॉइंट है 11.2, कितना गया 11.2 आ गया। तो यहाँ पे हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उम्मीद है कि आप पन्ने 15 में 15 सवाल बनाया होगा और आपको 20 नंबर हासिल हुआ होगा। तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपने कितना बनाया है, तो आपको कैसे लगा ये जो मैं ट्रिक, मतलब इस तरह से मैं पढ़ाया हूँ, पहली बार ये वीडियो मैं लाया हूँ इस टाइप का हाथ से लिख लिख के बताने का, आपको ये तरीका कैसे लगा मुझे कमेंट करेंगे, ताकि मैं अगर आप बताएंगे तो फिर से नेक्स्ट टाइम भी इस तरह से मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट करते हैं, डैट्स ऑल, और अभी तक जो पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।